वही जो हमारे राजकुमार राव के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ, क्योंकि ये खबर जाहिर सी बात है बनती है, क्योंकि इस टाइम वैसे भी राजकुमार राव स्त्री टू की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, और साथ ही साथ उनके फैंस भी इस सक्सेस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और जी रहे हैं। अच्छा फाइनली दोस्तों, फिल्म क्या है, कौन सी नई फिल्म लेके आने वाले हैं और कितनी जबरदस्त फिल्म होने वाली है, कितने एक्शन सीन्स इसमें देखने को मिलने वाले, क्योंकि अक्सर एज अ कॉमेडियन कॉमिक रोल करते हुए हमने अक्सर देखा है। और 40वें जन्मदिन पे यानी 31 अगस्त के दिन उन्होंने कौन सी फिल्म का पोस्टर दिया है और साथ ही साथ फिल्म की क्या कहानी हो सकती है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं छोटा मुंह बड़ी बात। दोस्तों जहां सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं स्त्री टू की राजकुमार राव, वहीं एक और मूवी की अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी। 31 अगस्त को इनका बर्थडे था और उस दिन इन्होंने एक पोस्टर शेयर करा जो कि मालिक पिक्चर है। मालिक पैदा नहीं होता पर बनता जरूर है, कुछ इस टाइप की पिक्चर देखने को मिलने वाली है। और पोस्टर के अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से राजकुमार राव के हाथ में एक AK-47 है और वो एक गाड़ी पे खड़े हुए हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो गाड़ी पुलिस की जिप्सी लग रही है, तो जाहिर सी बात है पिक्चर में एक्शन होने वाला है और शायद कहीं ना कहीं इस बार जो फाइट होने वाली है वो पुलिस से होने वाली है। वैसे बहरहाल देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है इस पिक्चर के अंदर। और साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि दोस्तों पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और आप और हम जल्द ही मिलते हैं, जल्द ही इस पिक्चर को थिएटर्स में देखने को लोग जाने वाले हैं, या यूं कह सकते हैं कि देखेंगे जब ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी। वैसे फाइनली दोस्तों इस टाइम जो आर राजकुमार यानी कि हमारे राजकुमार राव की जो पोजीशन चल रही है वो पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेटर पोजीशन चल रही है और जबरदस्त तरीके से वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री टू की जो उनकी कलेक्शन चल रही है 450 करोड़ क्रॉस कर गई है और अप्रोक्सीमेटली मतलब 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, वो 500 करोड़ का ही आंकड़ा वो छूने वाली है। और कुछ इस तरह के प्रेडिक्शंस करे जा रहे हैं कि 500 करोड़ का आंकड़ा छू के 600 के आसपास ये पहुंच सकती है। पर देखते तो हैं ये कि बाद में फाइनली पिक्चर क्या रंग दिखाएगी और कितना कलेक्शन करेगी। बट वैसे भी 2024 बहुत अच्छा खासा रहा है राजकुमार राव के लिए। मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी इन्होंने दी, श्रीकांत मूवी इन्होंने दी, फिर अब स्त्री टू लेके आ गए, जबकि स्त्री टू का क्लैश था, एक बहुत बड़ा क्लैश था यार, खेल खेल में अक्षय कुमार की उसके साथ और सबसे बड़ी वेदा के साथ जॉन अब्राहम की मूवी। बट कहीं ना कहीं खेल खेल में अक्षय कुमार के साथ खेल हो गया, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज आ रही हैं अब वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्लॉप हो रही है, और जो करियर जिस तरीके से एक पड़ाव उनका चल रहा है वो एक अलग लेवल का चल रहा है। आजकल का लड़का उनकी पिक्चर पे भारी हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बिग अचीवमेंट है राजकुमार राव के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार और राजकुमार राव के अंदर बहुत अंतर है, एक जनरेशन का अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं। और वो जनरेशन जो गैप देखने को मिला, एक 40 ईयर्स ओल्ड है, 55 के आसपास जा रहा है, 60 के आसपास जा रहा है कलाकार, वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, यहाँ राजकुमार राव है कॉमेडी रोल्स ज्यादा करते हैं, चाहे उनकी पुरानी पिक्चरें उठा ली जाए, ठीक है बहन होगी तेरी, शादी में जरूर आना, या फिर भीड़ मूवी, या फिर और भी इनकी तमाम जितनी पिक्चरें रही हैं, उन पिक्चरों के अंदर हमने देखा किस तरीके से राजकुमार राव ने कॉमेडी करी है, किस तरीके से सीरियस रोल अदा करे हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए जो इनकी मालिक मूवी होने वाली है, इस मालिक मूवी के अंदर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है और प्रेडिक्शंस तो यही करी जा रही हैं कि भाई एक्शन देखने को मिलेगा। बट किसी ने ये सोचा नहीं था कि इस तरीके से स्त्री टू पैसा कमा लेगी, क्योंकि जब मुंजिया मूवी रिलीज हुई थी तो मुंजिया मूवी जब रिलीज हुई थी उसकी जब पिक्चर का इंटरवल होता है और सबसे बड़ी बात है पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है, उस टाइम में स्त्री टू का पोस्टर दिखाया जाता है, स्त्री टू का ट्रेलर दिखाया जाता है, रिलीजिंग से पहले भी स्त्री टू की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है, प्रमोशन करी जाती है जितने भी स्क्रीन हैं जहां जहां पे मुंजिया रिलीज हुई थी। कॉमेडी मूवी रही है, 80% कॉमेडी मूवी रही है, 20% इस पिक्चर के अंदर जाहिर सी बात है देखने वाला सीन जो है हॉरर मैस वो देखने को मिली है, और भूतिया फिल्म तो इतनी नहीं रही, सरकटा आ गया है, स्त्री को बुला लिया गया है। पर अब जो आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलने वाला है वो थोड़ा अलग हटके देखने को मिलने वाला है, जी हाँ। और ये अलग हटके अब राजकुमार राव जो है वो भी एक कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपना जो टेस्ट है उसको थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं और उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरफ उनके फैंस का टेस्ट है, जिस तरफ उनकी फैन की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह रिक्वायरमेंट वो रख रहे हैं, फैंस चाह रहे हैं कि हाँ कॉमेडी कर लिया आपने, रोमांस भी कर लिया आपने, ठीक है थोड़े सीरियस रोल भी अदा कर लिया था, पुलिस ऑफिसर भी आप बन के आ गए हैं, अब आप आ जाइए थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक तरीके से डेयरिंग लुक, यानी कि जिसके अंदर एक्शन हीरो वाला लुक होता है ना उस वाले लुक में आ जाइए, चाहे एज अ विलन आ जाइए चाहे एज अ हीरो आ जाइए, बट आ जाइए। और ऐसा ही कुछ है वो मालिक पिक्चर के जरिए दिखाने जा रहे हैं।
बहरहाल देखते हैं पिक्चर कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट होती है या कितनी बड़ी फ्लॉप होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ना तो पिक्चर की अभी कोई थ्योरी पता चली है, सबसे बड़ी बात पिक्चर का कोई भी रोल पता नहीं चल रहा है कि पिक्चर में क्या देखने को हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये प्रेडिक्शंस करे जा रहे हैं। बट जिस तरह का पोस्टर निकल के आया उस तरह से पता चल गया AK-47 हाथ में ले रखी है, तो जाहिर सी बात है AK-47 से गोलियां चलाते हुए नजर आने वाले हैं, और गोलियां चलाएंगे तो एक्शन ही होगा, थोड़ा रोमांस भी देखने को मिल सकता है, और आगे जब इसके बारे में सूत्रों से सोर्सेज से खबरें आएंगी तब पता चल ही जाएगा कि फाइनली क्या क्या होने वाला है। बट दोस्तों 15 अगस्त को जब वेदा मूवी रिलीज हुई, खेल खेल में मूवी रिलीज हुई, हर किसी ने सोचा था कि पिक्चरों के साथ स्त्री टू का क्लैश हो जाएगा, और क्लैश कुछ इस कदर हो जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं इस बार अक्षय कुमार बाजी मार जाएंगे इस क्लैश में, क्योंकि 2023 के अंदर भी ऐसा ही कुछ क्लैश 11 अगस्त को हुआ था, यहाँ 15 अगस्त को होने वाला था, और 11 अगस्त को जो क्लैश हुआ था गदर 2 और OMG 2 के बीच हुआ था, बट गदर 2 ने किस तरह बाजी मारी थी हर किसी ने देखा, 600 करोड़ के पास का आंकड़ा छू लिया, अनएक्सपेक्टेड थिंग जो थी वो कहीं ना कहीं सनी देओल के लिए थी और वो चीज़ हो गई, और अक्षय कुमार को बिल्कुल भी मतलब आइडिया नहीं था कि इस तरह का कुछ घटना घट जाएगी और गदर 2 सुपर डुपर हिट हो जाएगी। जहाँ पे OMG 2 को खड़ा होना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं खड़ी हो पाई, क्योंकि एक तो इसको अडल्ट का एज सर्टिफिकेट दे दिया गया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि पिक्चर को लेकर वो कहते क्लैश हो गया था, फिर चीज़ें ऐसी हो गई कि पिक्चर कहीं ना कहीं पिक्चर की कलेक्शन पे असर पड़ा, स्लो स्टार्टिंग हुई OMG 2 की और गदर 2 की स्टार्टिंग जो हुई थी वो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह राजधानी की तरह भागी जा रही थी, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। बट किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा था कि खेल खेल में पिक्चर के साथ भी कुछ ऐसी घटना घट सकती है, और खेल खेल में पिक्चर भी इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगी या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे अटैक कर देगी स्त्री टू। बट स्त्री टू को लेकर इतने तो कयास लगाए जा रहे थे कि राजकुमार राव की और श्रद्धा कपूर की जो ये मूवी होने वाली है ये कहीं ना कहीं कॉमेडी होगी और तड़का लगाएगी ये, लोगों को हंसाएगी ये और हॉररनेस भी दिखाएगी ये और सबके दिल को छू जाएगी, और ऐसा करने में कहीं ना कहीं राजकुमार राव कामयाब भी हुए हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काबिले तारीफ भी है। अब आने वाली जो पिक्चरें हैं उनकी, चाहे वो मालिक मूवी है चाहे वो उसके अलावा भी और कई मूवीज जो है उनकी आ रही हैं, वो मूवीज़ हों वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज देती हैं कितना अच्छा कलेक्शन करके लेके आती हैं वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजकुमार राव का करियर भी इस टाइम में काफ़ी अच्छी एक उड़ान पे चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से वो भी उस लेवल के कलाकार बन रहे हैं कि उनकी पिक्चरें भी अब 200 300 400 500 करोड़ तक का आंकड़ा छू रही है, जो कभी शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान इनके पास ये एक तरीके से वो कहते हैं ना इनके हाथ में इतना पैसा हुआ कर सकता या फिर ये कलेक्शन का जो आंकड़ा था इनके हाथ में अक्सर हुआ करता था, अब वो छलक के और जो नए कलाकार हैं या जो स्ट्रगलिंग कलाकार रहे हैं उनके पास भी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, और इन अचीवमेंट को इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी और खुशनुमा तरीके से इंजॉय भी करना चाहिए, जो कि राजकुमार राव करते हैं। अब देखते हैं फाइनली मालिक पिक्चर को लेकर क्या रिव्यूज़ होते हैं और क्या चीज़ें सामने निकल के आती है। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को कि मालिक का जो आप लोगों ने पोस्टर देखा है वो पोस्टर के जरिए ये पिक्चर कितनी बेहतरीन होने वाली है और क्या एक्शन सीन्स होने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।